नमस्कार, स्वागत है आपका माय नेशन में। मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर दबाव बनाने की बात कही है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को कहा कि सेना लगातार आतंकी समूहों पर दबाव बना रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट की सक्रियता के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारे जवानों ने बैट की कार्रवाई से पहले ही उन्हें नाकाम कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में अब कमी आई है। जनरल नरवणे ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की बैठक की वजह से भी आतंकी गतिविधियों में कमी आ रही है। ब्लैकलिस्ट होने के डर से पाकिस्तान ने सीमा पार से संचालित आतंक को अब कम किया है। चीन को भी महसूस हो चुका है कि वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवाद पर चलने की अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बैट टीम भारतीय सेना के जवानों का सिर काटने की घटना में शामिल रही है। इस टीम में पाकिस्तान सेना के साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल होते हैं। इस साल 11 जनवरी को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर गोलीबारी के बाद बैट टीम भारतीय सेना के एक पोर्टर का सिर काटकर ले गई थी। इस घटना के बाद सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे से जब जवाबी कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारतीय सेना को पेशेवर बताते हुए इस कायराना हरकत का उचित जवाब देने की बात कही थी। सेना प्रमुख ने महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम इस आदेश का पालन करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी सैनिक से धर्म, जाति, संप्रदाय और यहां तक कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करती है। हमेशा से सेना का यही नजरिया रहा है। हमने 1993 में ही महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू कर दी थी। सेना ने सभी रैंक पर महिलाओं को तैनात करने की पहल की है। 100 महिला सैनिकों का पहला जत्था कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर में प्रशिक्षण ले रहा है। महिला अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर पूछा जा रहा है कि वे स्थायी कमीशन लेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को महिला अफसरों को आर्मी में स्थायी कमीशन देने का आदेश सुनाया था। अब कॉम्बैट रोल छोड़कर बाकी क्षेत्रों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। थल सेना में महिलाओं को बराबरी का हक देने की कानूनी लड़ाई 17 साल चली। सेना प्रमुख ने कहा कि कोर्ट के आदेश से हमारे आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा। मैं महिला अधिकारियों समेत भारतीय सेना में शामिल सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें देश सेवा और करियर में आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। कश्मीर में पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में पेरिस में एफएटीएफ के प्रभाव के बारे में सेना प्रमुख ने कहा कि चीन ने भी महसूस किया है कि वे अपने हर मौसम के मित्र को हर समय समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर एफएटीएफ उन पर भारी पड़ती है तो उन्हें अपनी बयानबाजी और गतिविधियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी को लेकर एफएटीएफ एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रस्तावित थल सेना भवन कार्बन फुटप्रिंट और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को कम करते हुए सभी सेना मुख्यालयों को एक छत के नीचे लाया जाएगा, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होगा। ये सभी सैनिकों के लिए दिल्ली में शांतिपूर्वक पोस्टिंग के लिए अधिक पारिवारिक समय की भी अनुमति देगा। माय नेशन के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए माय नेशन के साथ।